हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज फ्रॉम इंडियन किचन। आज हम लोग बनाएंगे टेस्टी हेल्दी सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम सरसों का साग ले लिया है। इसमें मोटी डंडियाँ होती हैं जिसे कि हमें नहीं लेना है, सिर्फ आगे की मुलायम पत्तियों का ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये हरी पत्तियों को भी हम तोड़ के अलग कर लेंगे और फिर अच्छे से धोकर बारीक लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर काट लिया है, सारी सरसों की पत्तियों को बिल्कुल बारीक काट लिया है। और इसी के साथ यहाँ मैंने 100 ग्राम पालक को बिल्कुल अच्छे से धो करके बारीक काट लिया है। ये पत्ते जितने बारीक कटेंगे साग उतना ही बेहतरीन बनेगा। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने एक कुकर को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम दोनों साग को डाल देंगे। पालक के पत्तों को भी बारीक कट करके डाल लिया और ये सरसों के साग के पत्तों को भी मैंने बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ही ज़रा सा पानी ऐड करना है। यहाँ देखिए, मैंने बॉटल की कैप से 2 से 3 कैप पानी ही मैंने लिया है। और थोड़ा सा नमक डालेंगे और अपने आप ही साग सारा पानी छोड़ देगा। इसे हमें 2 सीटी तक प्रेशर कुक करना है। देखिए, मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। अब इसमें लेड लगाकर 2 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। उस दौरान ये देखिए कुछ मसाले तैयार करने, यहाँ मैंने लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और एक अदरक का टुकड़ा छोटा सा उसे ग्रेट कर लिया है। ये हमें साग में डालना है। साथ में मैंने यहाँ एक लकड़ी की मथनी ले ली है और आप चाहें तो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने साग को खोल लिया 2 सीटी के बाद। अब हम इसे इस मैशर से या फिर मथनी के हेल्प से इसे हमें बिल्कुल मैश कर लेना है ताकि जो पत्ते अलग अलग दिख रहे हैं वो बिल्कुल बाइंड हो जाएं। ये देखिए, इस तरीके से मैश करना है और फिर ढक करके धीमी आंच पे छोड़ देना है। फिर 2-4 मिनट बाद हम फिर एक बार मैश करेंगे, फिर लेड लगा देंगे। इस तरीके से हमें तब तक मैश करना है जब तक कि सारी पत्तियां बिल्कुल गल करके आपस में इकट्ठी ना हो जाएं। ये देखिए, 3 से 4 मिनट के बाद ये ढक्कन हटा करके फिर से हम मैश कर लेंगे। ये देखिए, साग अब लगभग मैश हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। इसका पानी भी काफ़ी हद तक सूख चुका है। इसे बिल्कुल अच्छे से दबा दबा कर हमें मैश करके बिल्कुल इकट्ठा कर लेना है ताकि साग के पत्ते अलग अलग बिल्कुल ना नज़र आएं, जो भी है सब कुछ गल कर इकट्ठा हो जाए। ये देखिए, अब इसका पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है। अब हम इसमें अपनी लहसुन, 6-7 लहसुन की कलियाँ, मिर्च, हरी मिर्च के टुकड़े और अदरक जो हमने तैयार किया है वो इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, ये मैंने अदरक, लहसुन और ये हरी मिर्च कटी हुई इसमें डाल दी है। क्योंकि सरसों के साग की तासीर थोड़ी ठंडी होती है, इसीलिए इसमें अदरक, लहसुन जैसी चीज़ों को हम ज़्यादा ऐड करते हैं ताकि ये थोड़ी गर्माहट दे और ठंड के मौसम में खाने का मज़ा दुगना हो जाए। अब हम इसे उसी तरीके से मैश कर करके इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, काफ़ी हद तक मैश हो चुका है। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून मक्के का आटा ऐड करेंगे। मक्के का आटा सरसों के साग को बाइंड करने का काम करता है। जो साग अभी तक अलग अलग सा लग रहा था, मक्के का आटा डालने के बाद अब इकट्ठा होने लगेगा। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम इसके लिए इकट्ठा करने के बाद तड़का तैयार करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये मक्के का आटा मिक्स कर लिया हम लोगों ने। और अब हम इस देखिए, ये साग हमारा बिल्कुल लम्स में इकट्ठा हो गया है, अलग अलग नहीं दिख रहा है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए मैंने एक नॉनस्टिक पैन में 3 टीस्पून घी लिया है। क्योंकि सरसों का खुद ही कड़वाहट थोड़ी होती है और सरसों के तेल की इस्तेमाल से पंजन सी सब्ज़ी की बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ घी का इस्तेमाल किया है। उसमें थोड़ी सी हींग और जीरा चटकने तक के लिए हम इसमें डालेंगे। और फिर अब हम इसमें
एक रफली चॉप्ड मैंने प्याज लिया है, इसे बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। काफ़ी हद तक प्याज फ्राई हो गया है, अब हम इसमें थोड़ी सी अदरक और लहसुन फिर से ऐड करेंगे और इसे भी प्याज के साथ बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज हमारा लगभग भून चुका है, अब इसमें एक टमाटर रफली चॉप किया हुआ और थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल जाए और मिक्सअप हो जाए। ये देखिए अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। थोड़ी सी धनिया पाउडर ऐड करेंगे और आप चाहें तो धनिया पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, वैसे साग में कोई मसाला ना पड़े तब भी बहुत टेस्टी लगता है, तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं धनिया पाउडर। और अब देखिए ये मेरा तेल अलग हो गया है, इससे अब हम इसमें साग ऐड करेंगे। तेल बिल्कुल अलग हो चुका है, अब हम इसमें अपना सरसों का साग जो हमने कुकर में बिल्कुल मैश करके तैयार किया था वो ऐड कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे तब तक जब तक कि प्याज टमाटर का तड़का साग के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप हो रहा है। 2 मिनट तक मिक्स होने के बाद हम इसे यूं ही तेज आंच पे भून लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत पानी हो भी साग में वो भी जल गया। ये देखिए भून गया हमारा साग, ये साग बिल्कुल रेडी है। हम इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और सर्विंग डिश में निकालने के बाद इसके ऊपर से हम तड़का डालेंगे। ये देखिए मैंने इसे सर्विंग डिश में निकाल लिया है, अब हम एक तड़का तैयार करेंगे। यहाँ मैंने घी ले ली है, 1 टीस्पून घी है, आप इससे भी कम ले सकते हैं। और अब मैं घी के गर्म होते ही इसमें 2 लाल मिर्चें ऐड करूँगी, अगर आपको हींग पसंद है तो आप साथ में हींग भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने तड़के में हींग ऐड किया था इसलिए मैं दोबारा हींग ऐड नहीं कर रही हूँ। अब ये बिल्कुल जब मिर्च लाल हो जाएगी तब हम इस मिर्च वाले तेल को डाल देंगे ऊपर से। ये देखिए बिल्कुल हो चुका है, लाल हो चुकी है लाल मिर्च हमारी, और अब हम इसको साग के ऊपर से डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये एक बहुत ही तेज़ तीखापन देती है साग को और ये बहुत टेस्टी लगता है ये ऊपर का तड़का। ये देखिए अब हमारा सरसों का साग बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, इसे सर्व करें और इन्जॉय करें।